हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त आपका वेलकम करता हूँ गार्डनिंग बॉय यूट्यूब चैनल पे। आज दोस्तों बात करेंगे हम बोगनविलिया के प्लांट पे। दोस्तों ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, ये हम अपने अगर टेरेस गार्डन पे लगाएं तो बहुत ही खूबसूरती बढ़ती है। दोस्तों इसकी कोई ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है, इसको अगर हम 3 दिन बाद पानी दें तो भी चल जाता है। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा प्लांट 2 साल पुराना प्लांट है, और जो इसके फ्लावर हैं वो गुच्छों में लगते हैं और बहुत ही मुलायम फ्लावर रहते हैं, पर इनके फ्लावरों में से खुशबू नहीं आती है। पर जब इसके एक बार फ्लावर खिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं गुलाबी कलर में। दोस्तों ये प्लांट जो है मैं 2 साल पहले लाया था, और इसको मैंने पिछले साल इसे इसकी रूट प्रूनिंग कर दी थी, उसके बाद फिर इसमें नई बहार आई। दोस्तों ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये इसके फ्लावर ये है, और इसके ये देख रहे हैं पेटल हैं। तो दोस्तों ये प्लांट भी मैं पिछले साल ही लाया था, तो ये इसमें 2 कलर के आपको फूल मिलेंगे, एक गुलाबी कलर में मिलेगा, एक वाइट कलर है। तो दोस्तों ये प्लांट में जब आप ये प्लांट लाएंगे तो इसके पत्ती से ही पहचान जाएंगे। तो दोस्तों इसमें 2 कलर के फ्लावर आते हैं, बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट है। दोस्तों इसकी फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करें तो इसमें हमने जब इसको रिपोर्ट किया था तब इसमें हमने बोन मील और नीम खली डाली थी। तो दोस्तों उसके बाद इसमें हम महीने में एक बार इसमें DAP के कुछ दाने डालते हैं। दोस्तों केमिकल फर्टिलाइज़र जो हैवी फ्लावरिंग वाले प्लांट होते हैं उनके लिए अच्छा रहता है, क्योंकि उनको ज़्यादा फीड चाहिए होती है। तो दोस्तों आप भी बोगनविलिया के प्लांटों पे यही ट्रिक अपनाएं, और इनको पानी जो है आप जब इनकी मिट्टी एकदम से सूख जाए तब आपको पानी डालना है। दोस्तों जब फ्लावरिंग पे प्लांट रहेगा तब आपको पानी ज़्यादा ज़्यादा आप दूसरे दिन पानी ज़रूर डालिए। तो दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट लग रहे हैं। तो आज की वीडियो आपको अगर हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, फिर हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाली वीडियो आपको मिल जाए।